और उसका भाई जमशेद, दोनों को घर पे मार दिया गया, एनकाउंटर में खत्म हो गए वो। ये 2013 का केस, एफआईआर भी दर्ज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक और साहब थे शायद शहजाद, ये भी इंजीनियर था वापडा का, इसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने पीएचडी के लिए इनविटेशन दिया और उसको सिलेक्ट कर लिया, जो थ्रू आउट फर्स्ट इंजीनियर था, और जाने से हफ्ता पहले इसको लाहौर से उठा लिया गया। उसका भी पता, उसके साथ जिसको उठाया गया उसने आकर कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई कि जी वो मेरे साथ उठाया गया था और उसको ले गए थे, मुझे छोड़ दिया गया। कमीशन ने 450 लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, एक ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक बंदा भी रिहा नहीं किया गया। और ये जितने लोग उठाए गए, ये सारे इंजीनियर और ज्यादातर जो इंजीनियर थे और वो थे जो पीएचडी डिग्री होल्डर थे, या इनको एडमिशन बाहर मिला था कि वो जा रहे थे। एक लड़का इमरान है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो मिडिल ईस्ट से वापस आया, वहां 4 साल से नौकरी कर रहा था, बहन की शादी अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद से उठा लिया गया। उसमें भी अतर मिनल्ला साहब ने ऑर्डर दिया कि उसको पेश करें, नहीं पेश किया गया। उसके अलावा एक साजिद महमूद इंजीनियर है। एक सवाल पूछू, सॉरी जी जी, ये जो लोग उठा लिए गए थे, क्या एक तासुर आता था मीडिया में कि ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट के साथ या तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थे, इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली दो भाई अमेरिका गोइंतानामा बे से रिहा हुए हैं, गुलाम रबानी और उसका एक भाई, ये दो तीन दिन हुए हैं, आपने प्रेस में खबर पड़ी होगी। जी जी, मैंने पढ़ी। और अमेरिका ने जी उन्होंने कहा जी 20 बरस के बाद उन्हें दे डिक्लेयर देम इनोसेंट, के वो इनोसेंट थे, हम रिहा कर रहे हैं। जबकि यहाँ से जब उन्हें भेजा गया तो यहाँ से उनको कहा गया है वो सहूलतकारी उनके लिए कर रहे थे, जबकि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन 20 साल में भी साबित नहीं हुआ। और अभी भी 32 लोग गोइंतानामा बे में है, वो कैसे वहां पर पहुंच गए सर, किस तरह पहुंचाए गए? और दूसरा वायद इंजीनियर वार बिंग, और मैं खुद पर्सनली उन लड़कों को भी जानता हूं, मैं इधर असली 14 में रहता हूं, यहां से भी एक इंजीनियर थे, वो उनने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट से किया डिग्री लेकर वापस आए, और यहां से उनके वालदैन ने उसकी शादी की, और शादी के बाद उसको उठा लिया गया, उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। 4 साल तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, बीवी भी फिर चली गई। 4 साल बाद उसने बड़ी एफर्ट्स की, उस बंदे उसके वालिद का आर्मी से तलक था, उसको रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसके लंग्स खत्म हो चुके थे और 6 महीने में भी घर के अंदर उसकी डेथ हो गई। जितने लोग, चंद एक लोग जो रिहा भी हुए, एक और इंजीनियर है साजिद महमूद साहब, इस्लामाबाद से उठाया गया, कोई चार्ज ही नहीं। मैं हमने इन सारे केसेस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हाईकोर्ट में फाइल किए केसेस, और इन बहुत से केसेस में हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपया भी फाइन किया डिफेंस सेक्टरी पे, एक में 20 लाख रुपया फाइन किया कि आपके पास है आप इनको रिहा करें। एक इमरान लड़का है, वो मिडल ईस्ट से वापस घर आया, बहन की शादी के लिए उसको अबडक्ट करके गायब कर दिया गया। अभी इवन परवेज मुशरफ साहब ने अपनी किताब में ये कैटेगरिकली लिखा कि सिर्फ एक केस में हमें $25 मिलियन इनाम मिला, एक हमने फॉरन पकड़ के दिया, उस $25 मिलियन, ये सफा नंबर 243 है ये किताब का, अगर पढ़िए उनकी किताब में। वैसे तो उन्होंने एडमिट किया कि आई अर्न मिलियन ऑफ डॉलर, लेकिन मैंने रिट दायर की कि ये बताया जाए इसका कौन कौन रिसिपिएंट था, किस किस को ये पैसा मिला। उसके बाद एक रूटीन बन गई, अमेरिकन यूज टू पे देम $5,000, जो भी ये बंदा पकड़ते ये साथ लिख देते फैसिलिटेटर है और भेज देते उनके पास, भाई आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मेरे पे एक इल्जाम है, मुझे कोर्ट में पेश करें और सबूत दें और उसके बाद इधर मर्जी करें। लेकिन आप किस तरह एक पाकिस्तानी इंजीनियर को आपने भेजा, और इसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान से जितने इंजीनियर हाईली क्वालिफाइड लोग थे वो पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। आज आप कनाडा में बैठे हैं, आप कनाडा से चेक करें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में चेक करें, वो लोग बेचारे वहां मालिक का काम कर रहे हैं, इंजीनियर थे पाकिस्तान में, सिर्फ जान बचाने के लिए निकले कि यहां से पकड़े जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक डॉक्टर की बात करता हूं, डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद, ये ही आप नेट पे चेक कीजिए, आप पाकिस्तान के ये रिनाउंड इंजीनियर हैं, हमारा ग्रोड प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर थे और पाकिस्तान का पहला इंडिजीनियस जो रिएक्टर था वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इनको भुट्टो साहब ने अपने जमाने में 1 लाख रुपए इनाम दिया क्योंकि उन्हें हैवी वाटर टेस्ट करने का आला बनाया था। ये जब रिटायर हो गए इनको उठा लिया गया, और इनकी वालदा इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में आई और किसी ने माने नहीं हमारे पास है, और वहां उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की माओ से दरखास्त करती हूँ कि अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाना, साइंसदान भी न बनाना, वगरना तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, लापता कर। मुझे आज तक उसकी स्टेटमेंट याद है। बशीरुद्दीन महमूद साहब को फिर अमेरिकन के हवाले किया गया, 40 दिन तक उनकी कस्टडी पाकिस्तान में रहे, उनको इंटरोगेशन का यहाँ सेंटर बनाकर दिया गया, और 40 दिनों के बाद अमेरिकन ने लिख दिया कि ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। मैं उनसे खुद मिला रिहाई के बाद, और उसके बाद यूएन ने उनका नाम टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया, वो रिहा हो गए। उन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं, पहली बात है व्हाई यू हैंडेड ओवर दी पाकिस्तानी इंजीनियर, आप दी टॉप क्लास बंदे को आपने किस कैपेसिटी में उनके हवाले किया? उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी दे दी है पाकिस्तान को और हमारे साथ ये सलूक किया गया। मैं मिल चुका हूँ जाती तौर पर उनसे। सवाल, ये क्यों कर रहे थे, हम क्यों कर रहे थे? सर जब उन्हें एक दफा $25,000 हमें दे, $25 मिलियन दे दिया ना, उसके बाद उन्हें एक लाइन लगा ली, उन्होंने कहा जी जो भी हाईली क्वालिफाइड बंदा है, क्योंकि वो CIA सबको मॉनिटर कर रही थी यूनिवर्सिटी में, हमारे पास कुछ मिडिल ईस्ट के लड़के थे जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कर रहे थे MSc, उनको वहां से उठाया गया, जिसका नतीजा निकला कराची यूनिवर्सिटी में हंगामे हुए, आई वाज इन कराची एट दैट टाइम, तो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा लिए गए। फिर फियर क्रिएट करने के लिए इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, यहां लड़कों ने मुजाहरे किए, उनको उठाया गया, वो लापता, आज भी लापता है वो लड़के। आई फॉलोड दोस केसेस बिकॉज आई वाज इन द आर्मी। एक फियर, एक पर दो पर्पज थे, एक तो डॉलर कमाने, आप लिख कर दे दें कि ही इज फैसिलिटेटर, और उसके बाद वो $5,000 आपको नकद इनाम दे देते थे कि ये ले जाएं। एक पाकिस्तानी रिहाओ के आया, उसने बयान दिया बड़ा जबरदस्त, उसने कहा जी मुझे यहां से उठाकर बगराम ले गए, और वो मेजर साहब जो मुझे उठाकर ले गए थे उन्होंने वहां मुझे अमरीकियों के हवाले किया, अमरीकियों ने मेरे चेहरे से नकाब उतारा तो मैंने मेजर साहब को देख लिया, तो
तो उनके हवाले करते हुए मेयर साहब ने कहा अच्छा जनाब फी अमानुल्लाह, उसने कहा भी मुझे इनके हवाले करके तुम मुझे फी अमानुल्लाह भी कह रहे हो क्योंकि तुम अपनी फीस ले चुके हो। वो बेचारा बाद में रिहा हो गया 5-6 साल के बाद के, ही इज इनोसेंट। आप सोचें एक पूरी फैमिली को उठाया गया पाकिस्तान से रहीम यार खान के इलाके से, उसका भी मुशर्रफ साहब ने जिक्र किया है, उस फैमिली में एक 6 माह का बच्चा भी था, उन्हें इसी किताब में एडमिट किया है कि आई हैंडेड ओवर दी 6 मंथ चाइल्ड टू दी अमेरिकन। वो शुक्र ये हुआ कि अमेरिकन ने उस फैमिली को ले जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमने इस बच्चे को इसकी माँ को क्या करना है। मुझे इसलिए पता है कि आई कंटेस्टेड दैट केस, मैं जब आर्मी से रिलीज होकर आ गया तो मेरे पास तो इनका डाटा था सारा, मैं पिंडी हाईकोर्ट में मैंने इधर केस दायर कर दिया इनके खिलाफ कि इस फैमिली को किधर पकड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली वो फैमिली रिलीज कर दी गई उसकी, यानी वो राना नवीद उनका नाम था, उनकी वालदा भी पकड़ी गई, उनकी बहनें भी पकड़ी गई, उनकी बीवी भी पकड़ ली गई, उसके फादर को भी पकड़ लिया गया, वो सारे मैंने यहां से इक्विट करवाए। उसकी बीवी को फिर पकड़ लिया गया कि जी डाका हुआ था आपके इलाके में, उस डाके का सामान आपके घर पड़ा हुआ है। वो हमने जाके भावलपुर से रिलीज कराया, उसने कहा उस वक्त तो मैं आर्मी की कस्टडी में थी और मैं अटक फोर्ट में मुझे रखा हुआ था। वो आज भी रिहा हो चुकी है वापस आ गई। उसका खामन जो है राना नवीद अभी भी साईवाल जेल में है, हाई कोर्ट ने भी अपीटल उसकी रिहाई का आर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया, लेकिन वो दे आर नॉट रिलीजिंग। वो जो मुशर्रफ की बाकियात हैं दे आर स्टिल एडमिट कि हमने किसी को रिलीज नहीं करना, उस पर कोई चार्ज भी नहीं है। मैंने उसके केस में प्रूव कर दिया कि देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट दैट फैमिली, कोई चार्ज भी नहीं था, और मिल्टी कोर्ट ने भी उस खातून को एक्विट किया। मजे की बात यह फिर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, और उसको 5-6 साल, अभी वो बच्चा 8-10 साल का है। मैंने उस बच्चे का इंटरव्यू लिया, मैंने कहा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, कहता है आई विल बिकम कर्नल इन द आर्मी। मैंने कहा भाई तुम्हारा बाप कहता नहीं मुझे कर्नल ने हमें रिलीज वहां से कराया था, मेरी फैमिली कोर में पढ़ रहा हूं। हमने तो फौज का इमेज बहाल की उनकी आंखों में कि सारे आर्मी अफसर ऐसे नहीं है। और मैं जब उस केस में पेश हुआ यहाँ पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, तो जज साहब ने मुझे चैंबर में बुला लिया कि सर पहले तो कर्नल साहब आते थे कि इनको कोई रिलीफ ही नहीं देना, तो आप कैसे कर्नल है। मैं कहा मैं भी फौज से आया हूं और ये आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या केस है। एंड देन ही अग्रीड कि ये तो बड़े ने जुल्म किया, और उस जज ने फिर एक्विट करके उसे रिहा कर दिया कि नहीं देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट देम, आप किस तरह लोगों को पकड़ रहे हैं और किस तरह आप स्टेट चला रहे हैं, ये वो जुल्म था जो किया गया। कर्नल साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अगर हमारी कौम को समझ आ जाए कि जब हम कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, इमरान कहता है या कोई भी कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि हर इंसान को कानून के सामने कानून से मदद लेना उसका हक है, चाहे वो गिल्टी है चाहे वो नहीं है। एक ये बात, दूसरी बात ये इससे बहुत बड़ी लोगों को समझ आ जाए जो ये बड़े एक अजीब किस्म के गुबार में रहते हैं कि जी डिक्टेटरशिप हो, कोई अथॉरिटेरियन किस्म का हमारा डिस्पेंसेशन हो, डंडा चलाएं मुल्क को सीधा कर दें। ये जब डंडा चलाते हैं लोग और अथॉरिटेरियनिज्म आती है इसके अंदर, शायद वो कुछ सही लोगों को पकड़ते हैं लेकिन बेपना बेशतर बेगुनाह लोग उठाए जाते हैं, लोग अपनी जाती दुश्मनियों को लेके आते हैं और इस किस्म के लोगों को उठाया जाता है। मैं तो हिल गया आपकी ये बातें सुन के कि कितने बेगुनाह लोग इस बर्बरियत में आ गए जिनको ना कोर्ट का मदद मिली ना अदलिया की मदद मिली। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कर्नल साहब, रूल ऑफ लॉ का। आप अंदाजा लगाएं सर, मुदस्सर नारू एक जर्नलिस्ट है, उसको उठाया गया 4 साल से, उसकी बीवी ने उसकी कंपेन चलाई, अल्टीमेटली बीवी उसकी बीवी की भी डेथ हो गई सर। और अब उसका छोटा बच्चा था जब उसको उठाया गया था चंद महीने का, वो बच्चा भी 5-6 साल का है, वो कोर्ट में बकायदगी से आता है। और इमरान खान साहब से भी बच्चे की अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को उससे मिलाएं, तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई बच्चे की, उन्होंने भी हमदर्दी का इजहार किया और आर्डर भी दिया कि हम इसे ढूंढेंगे। आज तक उसकी वालदा को कहा गया, मुदस्सर नारू की बूढ़ी मां भी पेश होती है, उसे भी हमारी एजेंसी ने रब्ता किया कि आप बेफिक्र हैं आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। उन्हें वो टेलीफोन नंबर भी दिया कि जब उनके पास था तो मुझे ये बताते रहते थे, अब वो मुकर गए, कहते जी हमारे पास तो सिरे से आई नहीं। हालांकि उस पर जज साहब ने आर्डर दिया, उन्होंने फाइन भी किया, उन्होंने कहा ये आपका मजाक बना रखा है, फिर किधर चला गया वो। इसी तरह एक और इंजीनियर है, उनको लाहौर उनके बच्चों के सामने उठाया गया, उनकी फरत उनकी मिसेज जो है वो बाकायदगी से पेश होती है कोर्ट में, शी इज एन एडवोकेट। और रात जो है कर्नल साहब इसको ना, अब ये तो हजारों ऐसे हैं और इसकी हमने पिछले 10 महीने में जो बहुत ही वहशियाना अकासी देखी, वो आजम सवाती का उठाना, उसको अरेस्ट करना, उसको टॉर्चर करना, शहबाज गिल का अरशद शरीफ को कत्ल करना, 2019-20 में आपको उठा के बेसमेंट में रखना, आपको टॉर्चर करना, ये तो हम चीजें अभी भी देखते आ रहे हैं ना। अब आप